बीते दिन पूरे देश ने होली का त्योहार मनाया, लेकिन एक परिवार ऐसा था जहां ये त्योहार मातम में तब बदल गया जब उन्होंने अपने 17 साल के बेटे को खो दिया। जी हां, बॉलीवुड के चर्चित डायरेक्टर गिरीश मलिक के 17 साल के बेटे होली इवेंट में सेलिब्रेशन के दौरान 5th फ्लोर से नीचे गिर गए। गिरीश के बेटे मनन मलिक का 5th फ्लोर से नीचे गिरकर मौके पर ही निधन हो गया। हालांकि सवाल इस बात के भी उठ रहे हैं कि मनन गलती से गिरे या फिर जानबूझकर। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ये घटना बीते दिन शाम 5 बजे के आसपास हुई। बता दें कि डायरेक्टर ने फिल्म तोरबाज में संजय दत्त के साथ काम किया है। जब एक्टर संजय दत्त को ये दुखद खबर मिली तो एक्टर भी हैरत में पड़ गए और उनकी आंखों से भी आंसू छलकने लगे। संजय दत्त ने नम आंखों से गिरीश कुमार के बेटे को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। वाकई कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।